सिंह जी सुना पहलवान थे और कुश्ती लड़ा करते थे, ये कुश्ती लड़ते लड़ते फिर राजनीति में कहाँ से आ गए? उसका तो स्वर्गीय नत्थू सिंह विधायक थे, उन्होंने कहा मैंने बहुत नाम सुना है, तुम कुश्ती हमको दिखा दो। तो हम कुश्ती लड़ गए और उनको कुश्ती हमारी पसंद आ गई। उसी दिन से वो हमसे प्रभावित हो गए और आगे चल करके उन्होंने ही अपने मन से मुझसे कहा कि अब मेरी जगह आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। हम चुनाव लड़े, उन्होंने लड़ाया और 1967 में पहली बार हम विधायक बने। आप 8 बार MLA MLC रह चुके, अब लखनऊ छोड़कर दिल्ली क्यों नहीं आ जाते नेशनल पॉलिटिक्स में? अभी दिल्ली आने का मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अब मैंने ये जरूर सोचा है कि दिल्ली में समाजवादी पार्टी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएगी। हमारा लक्ष्य है कि अब जो दिल्ली में प्रधानमंत्री बने वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से बने, हमारी मर्जी का प्रधानमंत्री हो, ये हमारी इच्छा है और इसलिए हम पूरी शक्ति अब पार्लियामेंट के चुनाव में लगा दी है। आपने एक बार कहा था जब आपको चंद्रशेखर जी गृह मंत्री बना रहे थे दिल्ली में कि हम लखनऊ में मूंगफली बेच लेंगे लेकिन दिल्ली नहीं जाएंगे। ये सही है, चंद्रशेखर जी ने हमसे कहा था, लेकिन जब चंद्रशेखर जी को हमने समझा दिया कि अभी हमें लखनऊ ही रहने दीजिए तो वो मान गए थे। अच्छा, आप अपनी पार्टी को गरीबों की पार्टी कहते हैं लेकिन आपका जो दफ्तर है लखनऊ में 5-स्टार होटल जैसा लगता है। अब समाजवाद के माने ये तो नहीं कि गंदगी रखना चाहिए, तो अगर साफ सुथरा बना दिया है दफ्तर तो क्या हम उसमें बैठेंगे? वहाँ तो गरीब ही लोग आएंगे, तो गरीबों को भी कभी कभी अच्छी इमारत अगर मिल जाए तो क्या बुरा है। आप तो कहते हैं कि आपकी सरकार पिछड़ों की सरकार थी जो जिसमें दलित और पिछड़ों की बात मानी जाती थी, लेकिन आप पर आरोप है कि आपकी सरकार को उद्योगपति संजय डालमिया, राज बब्बर और अमर सिंह चलाते थे। ये पूरी तरह से गलत है। जहाँ तक के संजय डालमिया का सवाल है, वो हमारी पार्टी के कोषाध्यक्ष में हैं, राष्ट्रीय पार्टी के, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य भी हैं, लेकिन उन्होंने सरकार चलाने में कोई कहीं दखल नहीं दिया। जहाँ तक दूसरा आपने नाम लिया है राज बब्बर का, उन्होंने बेहतर समाजवादी पार्टी को समझा और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और राज्यसभा के मेंबर भी हैं, तो स्वाभाविक है वो तो हमारी पार्टी के साथियों में से हैं, लेकिन उन्होंने भी सरकार में दखलंदाजी का कोई काम नहीं किया। अगर मान भी लिया जाए कि राज बब्बर और संजय डालमिया का इसमें हाथ था तो क्या गलती थी? जब मुलायम सिंह जी की राजनीतिक मुसीबत का वक्त था, जब बड़े बड़े दिग्गज और महारथी उनका साथ नहीं दे रहे थे, संजय डालमिया ने कंधे से कंधे मिला के उनका साथ दिया, राज बब्बर ने उनकी जनसभाओं में और हर जगह उनके साथ राजनीतिक सहयोग और सहकारिता की बात रखी। आजकल सुना आप अपर कास्ट के लोगों को खुश करने की कोशिश में सभाओं में बैकवर्ड से हाथ उठाते हैं कि अपर कास्ट के लोगों को गाली नहीं देंगे। हमारी साफ राय है और समाजवादी पार्टी की नीति है, अगर हिंदुस्तान की राजनीति करनी है तो सबको लेके चलना है। इसलिए हर समाज हम कहते हैं कि जो हमारा सहयोगी दल था वो गाली जरूर देता था ऊंची जात को, लेकिन हम उसी समय ऊंची जात का सम्मान देते थे और इसलिए बहुत ही शायद मन मन में बहुजन समाज पार्टी लोगों को इस बात से परेशानी थी कि जो मुख्य पोस्ट हैं और की पोस्ट हैं सरकार में वो ऊंची जात के पास क्यों हैं। बीजेपी ने जो आंकड़े निकाले हैं उसमें कहा गया है कि 70% यादवों को आपने पुलिस में भर्ती करवाया। इससे ज़्यादा झूठ कोई हो नहीं सकता कि 70% यादव थे, और मंडल आयोग की सिफारिशें लागू क्यों की गई? इसलिए की गई थी कि उनका हिस्सा ज़्यादा बढ़े, तो सब बैकवर्ड का हिस्सा बढ़ा, तो जब सब बैकवर्ड का हिस्सा बढ़ा तो हो सकता है कि यादवों की तादाद ज़्यादा बढ़ गई हो। कल्याण सिंह का आरोप है कि बैकवर्ड्स के नाम पर सिर्फ यादवों को नौकरी दी गई। उनको हमेशा झूठ बोलने की आदत है, जैसे वो एक जो गरीब जाते हैं या बैकवर्ड जाते उसको भी विभाजित करने के लिए कई बार उन्होंने इस तरह के बयान भी दिए।